बालाघाट में कोरोना संक्रमण को लेकर दिन पर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और वहीं एशिया की सबसे बड़ी भरवेली माइंस का हॉस्पिटल भगवान भरोसे है। यहाँ ना तो डॉक्टर है और ना ही ऑक्सीजन, जबकि इस माइंस में सैकड़ों मजदूर काम करते हैं और ये माइंस केंद्र सरकार के बड़े उपक्रमों में से एक है। इसके बावजूद भी यहाँ चिकित्सीय सुविधा शून्य बनी हुई है, जिसके कारण यहाँ आने वाले मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इस हॉस्पिटल की पोल तब खुली जब मॉयल भरवेली की रिटायर्ड महिला कर्मचारी उमा ब्रह्मे की मौत डॉक्टर, दवाई और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हो गई, जबकि क्षेत्र के सांसद ढालसी बिसेन और भरवेली माइल के सीएमडी ने 10 बेड वाले सर्व सुविधा युक्त कोरोना हॉस्पिटल तैयार की जाने की बात कही थी। भरवेली माइंस में सरकार की तरफ से यहाँ के कर्मचारियों के लिए त्वरित इलाज हेतु हॉस्पिटल संचालित किया जाता है, ताकि समय रहते यहाँ काम करने वालों की जान बचाई जा सके। लेकिन माइल प्रबंधन की उदासीनता के चलते सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाओं के नाम पर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ तक नहीं है तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दवाई और ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से कल माइल भरवेली की रिटायर्ड महिला कर्मचारी उमा ब्रह्मे की मौत हो गई। मृतक उमा ब्रह्मे के परिजनों ने बताया कि अचानक तबीयत खराब होने तथा सांस लेने में दिक्कत होने के कारण भरवेली निवासी उमा ब्रह्मे को माइल भरवेली के हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन इस हॉस्पिटल में सिर्फ कृपा लाल नाम की एक नर्स थी और डॉक्टर नदारद थे। यहाँ ना तो ऑक्सीजन थी और ना ही उन्हें एम्बुलेंस मिल पाई। मरीज को अनन फनल में बालाघाट लाया गया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माइल हॉस्पिटल में सुविधाओं के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च दर्शाकर यहाँ के अधिकारी वर्षों से गोलमाल करते आ रहे हैं। माइल हॉस्पिटल आए मरीजों को बालाघाट के निजी चिकित्सकों के पास रेफर कर दिया जाता है। इसमें इन चिकित्सकों और माइल अधिकारियों के कमीशन फिक्स रहते हैं। माइल भरवेली में प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है, जिसकी वजह से यहां मजदूरों का शोषण होते ही रहता है। लेकिन कोरोना काल में भी यहां के हॉस्पिटलों में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। और इधर बालाघाट सिवनी सांसद ढाल सिंह बिसेन ने सोशल मीडिया में ट्वीट कर जानकारी दी थी कि 6 दिन पूर्व उकावा भरवेली तिरोड़ी में ऑक्सीजन युक्त कोविड सेंटर खोलने के निर्देश दिया गया है। भरवेली माइल के सीएमडी ने जानकारी दी थी कि 10 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया जा चुका है, जहां तात्कालिक उपलब्धता के आधार पर 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी। अब यह तो सांसद बिसेन या सीएमडी चौधरी ही बता सकते हैं कि भरवेली माइंस का कोविड सेंटर और ऑक्सीजन कहां गई। आखिर दोनों में से कौन जनता से झूठ बोल रहा है, यह भी एक जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल तो ऑक्सीजन और इलाज के अभाव में मरीज मर रहे हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राम अवतार देवगन जी जुड़ चुके हैं। राम अवतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सर, कल माइल फैक्ट्री का जो अस्पताल है उसमें एक रिटायर्ड कर्मचारी उमा ब्रह्मे की बेहतर इलाज ना मिलने के कारण मौत हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, इलाज तो हमारे कंपनी रिटायर्ड एम्प्लॉय जो रहता है उसको सिर्फ दवाइयाँ मिलती है कंपनी के तरफ से, उसका मेडिक्लेम इंश्योरेंस रहता है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस उसको करना पड़ता है ना जी। और बाकी जो एम्प्लॉय है, बाकी जितने भी लोग हैं उसके लिए कंपनी पूरे व्यवस्था करके है, जहाँ भी जरूरत पड़ रही है उनको बेड दिलाने का, ऑक्सीजन दिलाने का, दवाई दिलाने का सभी प्रयास कंपनी की ओर से, प्रबंधन की ओर से किया जा रहा है। यहाँ तक कि बेड पूरे नागपुर में नहीं मिल रहा है, भंडारा में नहीं मिल रहा है, शांति में नहीं मिल रहा, फिर भी कोशिश किया जा रहा है। और नागपुर का जब तक बेड नहीं मिलता है तब तक के लिए सीएमएस जो मुख्यालय है वहाँ पर कंपनी का हॉस्पिटल है, वहाँ पर हाथ फेर बेड की व्यवस्था की गई है, इमरजेंसी में लाकर वहाँ रखा जाता है, ऑक्सीजन लगाया जाता है और उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो बेड खाली मिल जाता है, कहीं वेंटिलेटर किसी को जरूरत है तो वहाँ शिफ्ट किया जाता है। तो कंपनी के तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। बालाघाट में 10 बेड की व्यवस्था की गई है ना, सभी मायनों से एम्बुलेंस और डॉक्टर सभी लोग लगे हुए हैं,
इसमें कोई कमी नहीं किया जा रहा है। राम अवतार जी यहाँ मैं आपको अपडेट कर दूं। राम अवतार जी मैं यहाँ आपको अपडेट करना चाहता हूँ, दरअसल भरवेली माइंस में जो हॉस्पिटल है उसके लिए सीएमडी चौधरी ने भी एक ये कहा था कि वहाँ 10 बेड के जो है व्यवस्था की गई है, लेकिन असलियत में ये है कि वहाँ पर ना ऑक्सीजन है ना वहाँ पर दवाई है, और यहाँ तक कि जब उमा ब्रह्मे को वहाँ लेकर गए तो वहाँ पर डॉक्टर भी नदारद थे, सिर्फ एक नर्स थी कृपा करके, और उन्होंने सीधे उसको ऑक्सीजन तक नहीं लगाई और सीधे बोला कि आप बालाघाट लेकर जाइए। ये व्यवस्था है आपके अस्पताल की, अब क्या कहेंगे आप? ये भरवेली माइल्स के अस्पताल की व्यवस्था है जहां पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि जो क्षेत्र के सांसद है वो कह रहे हैं कि वहां व्यवस्था कर दी गई है, सीएमडी चौधरी वहां बोल रहे हैं कि 10 बेड की व्यवस्था की गई है, लेकिन वहां पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था ना दवाइयों की व्यवस्था, और यहाँ तक कि डॉक्टर भी नदारद रहते हैं वहां से, अब क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर तो वहां पर रहते हैं, आपको जो गलत जानकारी मिली है ना, 10 बेड की व्यवस्था है वहां पर, लेकिन टेम्पररी है, ऐसा परमानेंट वेंटिलेटर लगाने का ये लगाने का नहीं है। ऑक्सीजन तो आपको मालूम है पूरे देश में कमी है ऑक्सीजन की, है ना, ऑक्सीजन जहाँ से संभव हो सकता है ऑक्सीजन भी रखा हुआ है, सब रखा हुआ है, ये आपको जानकारी देना। अगर अगर वहाँ ये व्यवस्था नहीं होगी तो क्या आप वहाँ व्यवस्था करवाएंगे? अगर वहाँ पर व्यवस्था नहीं होगी तो क्या आप व्यवस्था करवाएंगे? हाँ व्यवस्था करवाएंगे ना, क्यों नहीं करवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां व्यवस्था करवाएं, और जिस प्रकार से उमा ब्रह्मे ने अपनी जान से हाथ धोई दो बेटी वहां पर जाकर, उस तरीके से कोई और वहां अपनी जान से हाथ ना दो बेटे। आप उमा ब्रह्मे की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, अब सबके लिए हमारा प्रयास है, कंपनी का प्रयास है, प्रबंधन का पूरा प्रयास है, प्रबंधन अलग से वेंटिलेटर खड़ा नहीं कर सकता है, उसके लिए परमिशन नहीं है कहीं, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर व्यवस्थाओं के साथ आप अस्पताल का संचालन करें, क्योंकि कई सैकड़ों मजदूर हजारों मजदूरों की जो जिंदगी है वो उस एक अस्पताल के भरोसे है, कई सैकड़ों मजदूर जो उस फैक्ट्री जो उस माइंस में काम करते हैं उनकी जिंदगी उस अस्पताल के भरोसे है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस अस्पताल का प्रबंधन बेहतर ढंग से करें और सारी व्यवस्थाओं को वहां पर व्यापक रूप से करें। लोकल स्तर में व्यवस्था नहीं हो सकता है, अलग अलग कंसल्टेंट हॉस्पिटल लिया हुआ है, सबके साथ व्यवस्था की जा रही है और व्यवस्था लगातार, आपका फोन आने के पहले ही मैं एक आदमी की व्यवस्था कर रहा था, है ना, कंटिन्यू हम लोग लगे हुए रात तक 12-12 बजे 1-1 बजे रात तक हम ये इसी काम में लगे, पूरी प्रबंधन लगी हुई है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे अभी आपको मालूम है पूरे देश की व्यवस्था वैसी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब आपसे मेरी बात हो आए तो हम लोग इधर उधर की बात ना करते, सीधे मुद्दों की बात पर आए और लोगों की जान बचाते हुए आप मुझसे बात करें। आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।